फ्रंट टॉप पार्ट कट किया है। तो ये देखिए हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया है फ्रॉक के लिए। आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल ही फैब्रिक लेओगे, बट ज्यादा जिसमें लेयरिंग हो सके। ये डबल अम्ब्रेला कॉटन में भी बन जाता है, बट कॉटन में थोड़ा कम अच्छा बनता है। जो सेंटून वगैरह हो गया, रिवॉन हो गया, उनमें थोड़े से अच्छे ही बनते। एक हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का, जिसमें से हम टॉप पार्ट अलग से निकाले। अब जैसे कि हमने टॉप पार्ट का फ्रंट हिस्सा इस तरीके से कट किया है, ये हमने डार्ट डाल दी। कई बार क्या होता है कि आप पूछते हो कि पहले जो डार्ट डालते हो आर्म होल में, बाद में सेट करते हो आर्म होल, वो कैसे करते हैं? तो वो आपको एक बार बता दे। जैसे हमने नॉर्मल निशान लगाया था 6 इंच का, 7 इंच का, उसके बाद हमने इस तरीके से राउंड शेप दे के यहाँ से हमने एक डार्ट का निशान लगा लिया था, उसपे हमने डार्ट डाल दिया। अब पहले जब डार्ट डालते ना, तो ये देखिए आपका आर्म होल बहुत ही छोटा हो गया, इसलिए हमने सीधा ऐसे ही फैब्रिक लिया हुआ है ताकि हम दोबारा से सेट कर। अब यहाँ से हमने जो माप लिया था वो देखेंगे तो हमारा ये 6.25 का ही बच गया है। अब हमने ये निशान दोबारा से सेट करना है यहाँ, तो ये निशान अब हमारा इतना नीचे आ गया है उतर के। अब हमने यहाँ से भी राउंड शेप दे दी है, ये फ्रंट हिस्से की दे रहे हैं हम। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो आपका ये फ्रंट हिस्सा तरीके से कट होएगा, समझ आ गया आपको। अब हम बैक हिस्सा कट कर, अब यहाँ से हम बैक जो हमारा पैनल है उसको रखेंगे और यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। बैक में हम एक्स्ट्रा लेंगे जरा सा, क्योंकि हमारा नेक ज्यादा बड़ा नहीं, बैक को जरा सा एक्स्ट्रा उठाएंगे। यहाँ से बैक हिस्से की ये कटिंग भी एक्स्ट्रा में लेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट की छटाई कर। अब यहाँ से भी हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया और यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। तो हमारा ये टॉप पार्ट कट हो चुका है। और कहीं आप सोच रहे हो कि ये समझ नहीं आया सिंपल वे में कैसे कट कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल कट कर सकते प्रिंसेस ले सकते हो कैसे भी टॉप पार्ट पे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट कर ले। जब हम मेन फैब्रिक पे इसको कट कर रहे हैं, तो एक तो जैसे कि आप इसको ओपन करके कट कर सकते हो, तो आपने डट डाली हुई है क्योंकि आपका मेन फैब्रिक पे भी डलेगी, तो नहीं सोचो इनर पे। एक तो इसको ओपन करके कट कर सकते हो, दूसरा आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हो। हाँ, जैसे कि हमने इसको ऐसे रखा यहाँ से, और इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले ताकि जब इसको खोल लेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको कवर कर। एक जब आप ये छटाई जैसे कि हमने जरा सी दी थी, लेकिन ये बाद में प्लान बना था कि हम यहाँ से इसको डर्ट वाली बना रहे हैं। तो देखो कितना हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया। आपने ये डर्ट डालने के बाद ही इसका ये हिस्सा कट करना, वरना ये ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी, बट इसमें चलेगा क्योंकि ये डबल अम्ब्रेला है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा भी राउंड चला जाता है तो कोई दिक्कत हो। अब हम इसको कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा ले देते हैं और यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले ताकि बाद में सेट हो जाए खुलने के बाद। अब हम बैक हिस्सा भी कट कर लें। थोड़ा सा कट हुआ था लेकिन ये चल जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं है, बॉर्डर की सिलाई में आ जाएगा, हल्का सा ही कट है, ये चल जाएगा। अब हमारा जो टॉप पार्ट है वो कट हो चुका है। अब हम नीचे का घेर कट करेंगे। तो पहले आपने इस फैब्रिक को इक्वल कर लेना अच्छे से, सान वगैरह सब कुछ निकाल देनी है। तो सीधा कर लेते हैं और यहाँ से इसकी कटिंग कर। अब हमारे पास जो भी फैब्रिक बच गया इसको हम 4 फोल्ड कर ले। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया। मान लीजिए आपके पास फैब्रिक कम है और आप चाहते हो लेंथ में भी ज्वाइंट कम आए और आपका टॉप पार्ट भी आपने निकालना है, तो आप क्या करोगे? पहले आप निशान लगाई, तो यहाँ से आपने कमर देखनी है। उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि फोल्डेड हिस्सा खुद की तरफ होना चाहिए, ओपन हिस्सा अपोजिट साइड, और यहाँ पे हो सकता है तीनों तरफ, लेकिन जो बंद हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आपने इधर की तरफ ओपन हिस्सा कर दिया तो आपका 4 पीस में कट जाएगा। ये जो डबल अम्ब्रेला आप कट करना चाहते हो 2 पीस में, वो 4 पीस में कट हो जाएगा जो कि ज्वाइंट आएंगे। तो अब हम इसका घेर कैसे मापें? हम कमर देखते हैं, हमारी कमर है 6.5 की, यानी कि 4th हिस्सा करने के बाद, तो हम 6.5 पे एक निशान लगा लेते हैं। दिख रहा है निशान आपको? अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब ये हमारा हिस्सा कहाँ पे आया? 5 इंच पे आया। हमने सब जगह 5-5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम इस राउंड को माप के देखते हैं कि हमारा ये कितना हो गया। 8 इंच हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 6.5 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस राउंड को थोड़ा सा ऊपर
ऊपर की तरफ लगा दें। अगर आपका कम हुआ हो तो नीचे की तरफ राउंड कर दीजिए, वरना ऊपर की तरफ कर दीजिए। तो अब आपकी कमर का जो निशान है ये वाला। अब हमने क्या करना है, लेंथ चेक करनी। जितना हमने टॉप पार्ट निकाला है, टॉप पार्ट हमने निकाला था 13 इंच का, तैयार रखना है 14 इंच का। तो हमने 14 इंच टेप को बाहर निकाल दिया। उसके बाद जितनी आपकी लेंथ है, हमारी लेंथ है 42, 41 की हमने 42 ही ले ली। फिर भी अगर आपने पिको करनी तो आप उतनी ही लेंथ ले सकते हो जितनी आपकी है। अगर आपने कुछ फोल्ड करना है तो आप 1.5 या 2 इंच जितना फोल्ड करना चाहते हो उतना ले सकते हो। तो हमने 42 पे एक निशान लगा दिया क्योंकि हम इस पे पिको करेंगे। ये हमारा टोटल हुआ है 32.5, पूरे राउंड पे 32.5 पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से ये हमने निशान लगा दिए। बट हम देख पा रहे हैं कि हमारा फोर्थ हिस्सा होने के बाद भी बगैर ज्वाइंट लगे इतना फैब्रिक और बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, घेर ज्यादा बना सकते हैं इसका, क्योंकि 5 इंच और 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा हम नीचे उतार देंगे, ऊपर वाला कम बच रहा है हिस्सा, लेकिन नीचे से हमारा घेर बड़ा हो सकता है अगर हम थोड़ा सा और नीचे उतार। जितना ऊपर की तरफ जाएगा घेर कम होएगा, जितना नीचे उतरेगा उतना घेर ज्यादा होएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपके पास फैब्रिक है तो यहाँ से इसको 4-4, 4.5 जितना भी आपका बचा है तो निशान नीचे उतार देंगे और घेर को चौड़ा रख सकते हो। इस तरीके से आपने चौड़ा रख लिया। अब आप ऊपर की तरफ क्या करोगे, हमें चाहिए था कितना 32.5, हम 32.5 पे एक निशान दोबारा से लगा लेते हैं, नीचे वाले निशान। 32.5 तो पूरे पूरा ही चाहिए था। यहाँ से जो हमने निशान देखा है यानी कि 15 इंच निकालने के बाद, 14 इंच निकालने के बाद हमारा है था 42। तो अब हम 42 पे ही निशान रखेंगे और 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो अब हमने ये राउंड यानी कि यहाँ से देना, जितना हमने नीचे बढ़ाया उतना हम ऊपर से डाउन कर दें। अब हमने देखना कि हमें तो कमर चाहिए थी 6.5 ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6.5 पे एक निशान लगा लें। इसमें आप सोच रहे होंगे ये फैब्रिक वेस्ट जाएगा, इसमें तो कम जाएगा। अगर आप घेर ज्यादा बनाना चाहते हो तो इसको ऐसे कट कर दोगे। अगर आप घेर यहाँ से ही बनाना चाहते हो तो यहीं से कट कर दो। इस फैब्रिक में क्या बनाओगे आप नीचे, स्लीव्स से तो बहुत ज्यादा बचाओ। ये आपको एक समझाना चाहते थे कि जैसे ज्यादा घेर लेना हो तो आप इस तरीके से करोगे, जितना नीचे उतारा है उतना ही ऊपर से डाउन, और आप इसको ए शेप में दे दो। ज्यादा घेर नहीं बना, हम यहाँ से ही कट करेंगे और जो ऊपर का निशान है उसी पे से कट करेंगे। तो एक बार इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हमने घेर कट कर लिया है, जो साइड में हमारा फैब्रिक बच गया इसमें से स्लीव्स निकल जाएंगी, और जो ये लंबा वाला फैब्रिक बच गया इसमें से हमारी पैंट निकल जाएगी। तो हमारा जो फैब्रिक है फुल यूज हो जाएगा, ये 5 मीटर फैब्रिक। अब हम इसको जब ओपन करें तो हमारे दो ही पेयर बने इस तरीके से। ये हमारी कमर वाला हिस्सा हो जाएगा जो कि हम ऊपर अटैच करेंगे। दो ज्वाइंट आए, नीचे से बहुत ही फ्लफी घेर बन जाएगा इसका, इतने में भी बहुत ही ज्यादा घेर बन गया है। तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो, नॉर्मल स्लीव्स आप जो भी डिजाइन के चाहते हो ऐसे कट कर सकते हो। फाइनल लुक भी हम आपको बिल्कुल जरूर दिखाएंगे। सो हे गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। पसंद आई है तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो।